हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ दाल के फारे, जिसको कि हम लोग जब पहले हमारे यहाँ इसको दाल की चिड़िया भी बोलते थे, और जैसे बहुत लोग दाल के दूल्हे दुल्हन वगैरह इस तरीके से बोलते थे, मैं तो फिलहाल इनको दाल के फारे ही बोलती हूँ। तो किस तरीके से बनाते हैं हमारे यहाँ वो दिखाएं, मैं मतलब वो दिखाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं दाल के फारे या फारे कैसे बनाते हैं। तो ये अरहर की दाल मैंने धुल ली है, ये एक कप दाल मैंने ली थी, इसको अच्छे से पानी से धुल लिया है। इसको डालेंगे कुकर में, तो जैसे हम दाल वगैरह बनाते हैं बस वैसे ही बनानी है, और इसमें आटे की जैसे फारे बना के डालेंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं दिखाती हूँ, तो वो दिखाऊंगी मैं आप पैक करने से। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू न्यू वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे। और कल मैंने बनाई थी कान्हा जी की ड्रेस, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, तो मम्मी ने बोला कि एक दो ड्रेस बना दो, क्योंकि उनके पास बाकी दूसरे कोई ड्रेस है नहीं, क्योंकि जब आए थे तो एक ही ड्रेस पहन के आए थे, क्योंकि रुकने का कुछ ऐसा था नहीं, और क्योंकि मम्मी को चोट लग गई थी इसकी वजह से मम्मी को मैंने यही रोक लिया। तो उनके कान्हा जी भी एक ही ड्रेस पहन के आए थे, तो उनके लिए कल मैंने बनाई थी दो ड्रेसें, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से बनाई। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए, दाल के फारे बनाने के लिए जो दाल धुल के रखी थी वो चढ़ा देंगे, सबसे पहले डाल देंगे कुकर में, और पानी डाल देंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी, जैसे हम दाल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब इसको हम उबालेंगे, तो इसमें अच्छे से जब उबाल आ जाएगा तब हम इसमें फारे बना के डालेंगे, उबलती हुई दाल, मतलब जब दाल उबलने लगेगी अच्छे से तब इसमें फारे बना के डालेंगे। फारे बना के रख लेंगे, जब तक कि दाल हमारी उबलेगी तब तक फारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये फारे बनाने के लिए देखिए, इस तरीके से एक लोई ली और इसको बेल लेंगे, जैसे हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं बस उसी तरीके से, लेकिन जैसे रोटी थोड़ी पतली पतली हम लोग बनाते हैं, तो इसको रोटी से थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा बेल लेंगे, और आप इसको गोल शेप में भी काट सकते हैं। तो जैसे चिड़िया जैसे हम लोग हाथों से बनाते हैं, चिड़िया ही बोलते हैं इसको, तो हाथों से चिड़िया जैसे बना लेते हैं। और तो चिड़िया थोड़ी सी मैंने हाथों से बनाई थी, और थोड़ी सी जो है कटोरी से काट ली थी, तो जैसे काजू के शेप में मतलब अगर काटेंगे तो देखने में थोड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से रोटी जैसी बना ली, और इसको कटोरी से काजू के शेप में काट लेंगे। तो इस तरीके से चिड़िया बनाने से क्या होता है, जैसे हम लोग हाथों से बनाते हैं और ये वाली बिल्कुल मतलब बनने के बाद बिल्कुल एक ही जैसी लगती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से काट लेंगे, जैसे हम काजू वगैरह बनाते हैं नमकीन के लिए बस वैसे ही। तो ये देखिए, इस तरीके से काट के सारे ये जो फारे हैं काट के तैयार कर लेंगे, और थोड़े ये हाथों से चिड़िया बता रही थी ना मैं, तो ये देखिए इस तरीके से हाथों से दबा के थोड़ा सा बड़ा करके, और इसको इस तरीके से हथेली से दबा के चिड़िया बनाते हैं। तो देखिए, सारे बना के मैंने तैयार कर लिए, और जितनी देर में दाल भी अच्छे से उबल गई थी, तो उबलती हुई दाल में ही डालेंगे, जब दाल मतलब अच्छे से उबाल आ जाएगा तभी डालेंगे फारे, तो हमारे जो फारे हैं जो चिपकेंगे नहीं दाल में। तो ये सारे फारे डालने के बाद अच्छे से इनको एक बार चला देंगे, और इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये जैसे बनने के बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, और ये फारे जो है मतलब खाने में इसकी जो दाल है थोड़ी पतली पतली अच्छी लगती है खाने में, तो पानी बढ़ा देंगे ज़रूरत के हिसाब से। और इसमें डाली है ये खटाई, ये आम की सूखी हुई खटाई थी वो मैंने डाली है, और इसमें लगा लेंगे एक सीटी, एक सीटी के बाद अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए, हमारी दाल भी अच्छे से पक गई, और जो फारे डाले थे बना के वो भी अच्छे से इसमें पक गए हैं। और अब क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे तड़का, तो तड़का लगाने के लिए वही सब जैसे हम लोग दाल में तड़का लगाते हैं, लहसुन, ये मिर्च और जीरा और थोड़ी सी हींग, तो इसका तड़का लगाएंगे। तो तड़का चाहे तो आप तेल में भी लगा सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अंदर टेस्टी लगता है,
तो थोड़ा सा घी डाला है एक चम्मच, इसमें लहसुन डाल दिया, मिर्च और ये क्या नाम अपना जीरा और हींग बाद में डाला लास्ट में, अच्छे से भून लेंगे और बस इसको डाल देंगे फारे में, इसका तड़का लगा देंगे। तो वे देखिए तड़का लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि जो इसकी महक है तड़के की ये अच्छे से इसमें मतलब आ जाए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बच्चों की थाली। तो ये फारे मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा मतलब पसंद थे, और ये हम लोग जो छोटे छोटे थे तो वो दाल की मछली बोल कर हम लोगों को चिढ़ाते रहते थे, वो कहते थे कि दाल की मछली बन गई सब लोग आ जाओ, तो इस तरीके से वो चिढ़ाते रहते थे मतलब। तो ये देखिए थाली लग गई है गरम गरम, ये फारे गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो अचार फारे के साथ में अचार और मूली, तो थाली लगा दी है, आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और ये खाना खाने के बाद हम लोग गए थे छत पे, क्योंकि आज पूरा दिन धूप नहीं निकली तो ठंड ज़्यादा थी, तो यहाँ पे मैं जला रही थी आग, क्योंकि मम्मी को नीचे थोड़ी सी ऊप जैसी लग रही थी ना, तो फिर मम्मी बोली थी छत पे चलो, फिर छत पे ठंडा लग रहा था, फिर मैंने आग जलाई और उसके बाद नीचे आने के बाद चाय वगैरह बनाई चाय। और ये वाली जो क्लिप है वो कल की है, कल मैंने ये भगवान की ड्रेस बनाई थी मम्मी की, जो लड्डू गोपाल हैं उनके लिए, क्योंकि मम्मी ने मतलब बनाने के लिए बोला था क्योंकि उनके पास दूसरी ड्रेस नहीं थी। और ये ऊन भी जिसे रखी हुई थी मेरे पास नई नहीं है, और इसमें बाज़ार तो मैं जा नहीं पाऊँगी ना, जैसे बाज़ार जाके नहीं ले आती, ये तो ले आती, तो जो ऊन रखी थी थोड़ी बहुत उसी से मतलब मिला जुला के बना दी है। तो ये देखिए छोटी सी कैप और फ्रॉक जैसी बना दी है, इसी से मिलती जुलती, तो ये थोड़ी थोड़ी ऊन रखी थी तो वही मैंने मिला जुला के बना दी। और ये दूसरी ड्रेस जो कि मैंने बताया था ना अभी कि ये पतली वाली ऊन रखी थी, जो धागे वाली ऊन आती है वो रखी थी, तो मैंने उसकी बना दी, तो ये छोटी सी बनाई है। और ये जो कैप बनाई है, कैप के लिए एक मैंने छोटा सा ये बनाया है लट्टू जैसा, मतलब इसको क्या बोलेंगे पता नहीं, तो लट्टू जैसा ही बोलते हैं, तो यही मैं सुई से टांग दूंगी इसको, तो थोड़ा ये देखने में कैप जो है अच्छी लगने लगेगी। उसके बाद मैंने ये ड्रेसेस जो है पहना के भी देखी थी कि मतलब सही है कि नहीं है, छोटी बड़ी तो नहीं हो गई है, तो फिर मैंने मतलब पहना के भी देखी थी, तो मम्मी बोल रही थी कि नए साल में इनको जो है कपड़े बदल देंगे इनके, तो यही सब बनाया। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोनों ड्रेसेज जो है मैंने पहना के मतलब देखी थी, फिर जो पिंक वाली बनाई थी ना तो फिर मैंने वो पहना ही दी थी, फिर मैंने इसको चेंज नहीं किया था। तो ये देखिए दोनों ड्रेसें मतलब एकदम से फिट मतलब बनी थी, ना छोटी थी ना तो बड़ी थी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, इसके बाद मैंने कोई शूटिंग नहीं की थी, तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग फिर या फिर वीडियो में, देखते हैं। अब तो शायद न्यू ईयर का ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा, बीच में कोई वीडियो नहीं आएगा।